दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा रुस्तम। कहानी समंदर में एक बड़े से शिप पर शुरू होती है। वहां कोई एक कैप्टन आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है और फिर अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम रुस्तम है। बट ये इससे पहले जो हो रहा था वो मेरी समझ में कुछ आया नहीं कि क्या हो रहा था, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूं। खैर, अगर अक्षय का ये इंट्रोडक्शन डायरेक्ट भी होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद अक्षय पर्स देखता है, उसमें इलीना का फोटो है और गाना शुरू होता है और सब दिखाते हैं कि कैसे प्यार हुआ, कैसे शादी हुई। उसके बाद कहानी घर पे आती है जहां इलीना, जो अक्षय की वाइफ है, वो दो दिन से कहीं गई हुई है। अक्षय कुमार अचानक घर आ जाता है। अक्षय ये जानकर कि बीवी घर पे नहीं है दो दिन से, सब जगह फोन करता है, कहीं पता नहीं चलता। और फिर वो एक अपने दोस्त के घर के सामने जाता है जो कैरेक्टर अर्जुन बाजवा ने प्ले किया है, और देखता है कि बालकनी में उसकी बीवी और अर्जुन दोनों खड़े हैं। खैर, अगर कोई हस्बैंड वाकई ही रियल में होता तो सीधा ऊपर जाता, और ऊपर जाने के बाद तो जो भी होता, खैर बाद की बात है। तो अगर आप अक्षय की जगह होते और आपकी बीवी किसी आदमी के साथ ऐसे कहीं खड़ी होती तो आप क्या करते, आप खुद सोचिए। खैर, अक्षय अपने घर वापस चला जाता है, बहुत ही परेशान है, विस्की वगैरह पी रहा है। वाइफ घर पे आती है, वाइफ से कुछ बातें करता है और चला जाता है और जाके वाइफ के आशिक को मार देता है। इसके बाद की पूरी कहानी क्लाइमैक्स तक तहकीकात है और कोर्ट ड्रामा है। तो अगर आप में हिम्मत है कि आप 2 घंटे तहकीकात और कोर्ट ड्रामा झेल सकते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। स्क्रीन प्ले बहुत ही साधारण है, बहुत ही स्लो है, जिसमें कुछ देशभक्ति ठूसने की कोशिश की गई है। डायलॉग्स ठीक ठाक है और कुछ जगहों पर अच्छे हैं। म्यूजिक तकरीबन 3 गाने हैं और बढ़िया हैं। लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। यहां मैं मेकअप आर्टिस्ट की बात जरूर करूंगा। जो भी मेकअप कोऑर्डिनेटर था फिल्म का, उसने कमाल का मेकअप किया है और दोनों लड़कियां इस कदर खूबसूरत लगी हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। अक्षय कुमार ने एक नेवी ऑफिसर के रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। इलीना ने वाइफ का रोल जबरदस्त तरीके से निभाया है, उन्होंने गजब की एक्टिंग की है और वो बे इंतहा खूबसूरत लगी है। ईशा गुप्ता अर्जुन बाजवा की बहन बनी है जिसका अक्षय ने मर्डर किया है, और ईशा गुप्ता बहुत ही खूबसूरत लगी है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने जितनी भी आज तक फिल्म की है ये उनकी बेस्ट फिल्म है तो गलत नहीं होगा। अर्जुन बाजवा ने भी अपने रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। टीनू का डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है, गलतियों से भरा पड़ा है। शायद वो इतनी बड़ी फिल्म के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, इसलिए रुस्तम में वो थ्रिलर कहीं नजर नहीं आता जो नीरज पांडे की फिल्मों में होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। एक्चुअली इस फिल्म के जो राइटर हैं विपुल रावल, वो इस कहानी को लेकर अब्बास मस्तान के पास गए थे। अब्बास मस्तान साहब उनके साथ 8 महीने बैठे और उन्होंने इस कहानी को डेवलप किया। उसके बाद ये कहानी जॉन अब्राहम को सुनाई गई और जॉन को बहुत पसंद आई। शेमारू इसका प्रोड्यूसर था। उसी वक्त में फिरोज ने जॉन को वेलकम बैक के लिए साइन कर लिया और उन्होंने उनको बहुत अच्छी फीस दे दी। वही फीस वो शेमारू से मांगने लगे, शेमारू ने मना कर दिया। इस तरह से अब्बास मस्तान ने ये फिल्म छोड़ दी। जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं टीनू, वो अब्बास मस्तान साहब के असिस्टेंट थे उनकी फिल्म प्लेयर में। इस तरह से वो विपुल रावल को जानते थे। वो इस कहानी को लेकर नीरज पांडे के पास गए और नीरज पांडे ने यह कहानी अक्षय कुमार को सुनवाई। अक्षय को यह फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने फिल्म के लिए हां कर दी। बट टाइटल रुस्तम अब्बास मस्तान के पास था, तो अक्षय ने अब्बास भाई को फोन किया, रिक्वेस्ट की, और अब्बास भाई ने टाइटल अक्षय को दे दिया। इस तरह से
ये फिल्म बनी, तो मैं नहीं कह सकता कि ये वही कहानी है जो अब्बास मस्तान ने बनाई थी या नीरज पांडे साहब ने अपने तरीके से उसको कुछ चेंज किया है। कुल मिलाकर ये फिल्म ठीक ठाक है, साफ सुथरी है और फैमिली फिल्म है। इस फिल्म में नीरज पांडे जैसा कमाल का थ्रिलर नहीं है, बट फिर भी ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 4, क्योंकि फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो रही है और ये पूरा वीक हॉलीडे है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म 80 से 100 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी।